हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मैंने आपसे विगत वीडियो में कहा था कि इस वीडियो पर चर्चा करेंगे वैधव्य दोष, विधुर दोष। ये जो दोनों दोष हैं, ये ऐसे दोष हैं कि इनकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ कहावत है कि बारिश में गिरा हुआ घर और मध्यम अवस्था में जिसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए, फिर दोनों बन नहीं पाते। बारिश में आपका घर गिर गया तो बारिश में कैसे बनाओगे आप? उसी तरह ये योग होता है, विधवा योग, वैधव्य योग या विधुर योग। विधुर योग तो ठीक है, लोग कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वैधव्य दोष जो है वो थोड़ा सा टफ है। समाज अभी स्वीकार कम कर पा रहा है, यद्यपि पिछले 5 वर्षों में समाज ने काफ़ी प्रगति की है और लोग इस योग को फिर पुनः योग में मिला लेते हैं, माने विधवा होने के पश्चात विवाह के योग तक जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो अगर आचार्य चाणक्य को देखें तो चाणक्य ने एक सूक्ति कही थी, उसी सूक्ति से हम आरंभ करेंगे कि कुग्राम वासः अकुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो, पुत्रश्च मूर्खो, विधवा च कन्या बिनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। बिना आग के शरीर को जलाते हैं। ये जो 5 चीजें हैं उसमें जो विधवा कन्या है, कन्या का विधवा हो जाना, पिता के घर में वास करना ही अपने आप में एक परेशानी का सबब होता है, और विधवा होकर वास करना तो पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बिना आग के उसके शरीर को जलाती रहती है। माता पिता चूंकि जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी महसूस करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। माँ बाप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, इसलिए अगर संतान पे कभी कष्ट आ जाए तो आगे बढ़ के हाथ थाम लेते हैं, इसलिए पिता माता को कष्ट होता है। लेकिन ये सब हम अपने पूर्वजन्म के संचित कर्मों के आधार पर हमें ये मिलता है, हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। आप जब कुंडली देखेंगे तो कुंडली में इस चीज़ को पाएंगे कि नहीं, कुंडली में ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वजन्म के संचित कर्म हैं जो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसे जाएगा और क्या आपकी कुंडली में विधुर या वैधव्य योग बनेगा। तो चर्चा विधुर या वैधव्य योग पे, वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिएगा, और जानकारी आपके लिए और समाज के लिए दोनों के लिए आवश्यक है। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि नीच ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, नीच ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की उपस्थिति सप्तम भाव में हो तब विधुर या वैधव्य दोष बन सकता है। एक बिंदु पे कभी किसी दोष को पूर्णतया फलित मत करिएगा जब तक उसके सहायक 2 और बिंदु ना मिल जाएं। किसी भी पार्ट पे एक बिंदु को पकड़ के आप उसका फलादेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भावत भावम भी लगाना है, उसका कारक भी देखना है, उसका स्वामी देखना है, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी देखना है। ठीक, तो आपके कुंडली में जैसे लड़का है तो लड़के की कुंडली में शुक्र को आपको देखना होगा, शुक्र किस स्थिति में है। लड़की है उसकी कुंडली में गुरु को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन दोनों के लिए ये 2 ग्रह, दोनों जो देव ग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। तो नीच के ग्रह, क्रूर के ग्रह, कोई भी ग्रह नीच का हो सकता है, क्रूर ग्रह जो थोड़े मार काट में जिनको रुचि है, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, इनको क्रूर कहा जाता है। पाप ग्रह शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, पाप ग्रह की श्रेणी में है। तो अगर ये यहाँ पे बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन कलापूर्ण या विधुर वैधव्य योग बन सकता है। दूसरा, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि 12वें का स्वामी 7वें में हो और 7वें का स्वामी 12वें में हो, माने आपस में एक्सचेंज योग हो। 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में एक्सचेंज कर लें, आपस में राशि परिवर्तन कर लें, तब भी दाम्पत्य जीवन खराब होगा या वैधव्य दोष बनेगा। यद्यपि यहाँ पे वैधव्य दोष की आप गारंटी नहीं ले सकते, ठीक, उसकी मैं आपको ये पॉइंट खत्म कर लूँ फिर पहुँचूंगा कि आप कहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैधव्य दोष बनेगा ही बनेगा। सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो नहीं, ये योग शास्त्रकार लिखते तो हैं लेकिन
मंगल स्वग्रही हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है ना। मंगल अगर स्वग्रही हुआ, मित्र का हुआ, तो ऐसे कंडीशन में मंगल जब 6-8-12 के स्वामी होंगे, 6-8-12 के स्वामी होंगे, वो सप्तम में उपस्थित होंगे, तब मंगल के पास वो एनर्जी होगी कि उसको खत्म कर सकता है। शेष में खत्म नहीं करेगा, विरोध कराएगा, मारपीट कराएगा, तलाक करा देगा, लेकिन मृत्यु अकेला नहीं दे सकता। हाँ, 6-8-12 का स्वामी है तब दे सकता है, जैसे कन्या लग्न में बैठ जाए दे सकता है, मिथुन लग्न में बैठ जाए दे सकता है, इस तरह आपको देखना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि राहु लग्न में हो, राहु लग्न में हो मतलब केतु सप्तम भाव में जाएगा, केतु जहां बैठता है उस भाव को या उस भाव को डिस्करेक्ट करता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु ज्यादातर दाम्पत्य जीवन को दुखद बना देता है। हाँ, यहाँ पे केतु एक ही जगह नतमस्तक हो जाता है गुरु की राशि में, तो गुरु की राशि में अगर केतु बैठे हैं तो आप नतमस्तक हो जाएंगे, माने धनु में मीन में, वहां पे दुष्परिणाम नहीं देंगे, वरना शेष जगह केतु ध्वंस कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो राहु लगन में हो, मंगल आठ में हो, मंगल आठ में हो या बारह में हो, तब वैधव्य योग बन सकता है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा सप्तमेश कहाँ है, सप्तम भाव के जो कारक हैं वो कहाँ हैं, तब आप ये निश्चित कर पाएंगे कि वैधव्य दोष बनेगा कि नहीं। चलिए, 2-3 पॉइंट और इसको कवर कर लें, फिर इस पर चर्चा करके बताएंगे कैसे इसको हम क्लियर करें। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि खष्टम व सप्तम में पाप ग्रह हो, माने छठवें में पाप ग्रह बैठे और सप्तमें में पाप ग्रह बैठे, माने सूर्य शनि राहु केतु इनकी युति छठवें और सातवें में हो जाए, तब यहाँ पे वैधव्य दोष बन जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो, अष्टम का स्वामी सप्तम में या खष्टम में हो, तब यहाँ वैधव्य दोष बनता है। हाँ, यहाँ पे इसकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। सप्तमेश मंगल पर शनि की दृष्टि हो, सप्तमेश मंगल पर या सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल पर शनि की दृष्टि हो, तो वैधव्य दोष का निर्माण या विधुर योग का निर्माण होता है। सप्तमेश व अष्टमेश का आपस में एक्सचेंज योग हो जाए, तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए, तब भी यहाँ पे वैधव्य या विधुर दोष विधुर योग बन जाता है। सातवें और आठवें की युति द्वादश भाव में हो जाए, सप्तमेश और अष्टमेश दोनों द्वादश भाव में चले जाएं, तो भी वैधव्य योग या वैधव्य दोष बनता है, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। अब देखिए, ये इस तरह के कम से कम 50 पॉइंट हैं, मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, केवल एक बिंदु से मत लीजिएगा। कभी आपने सोचा कि खष्टम भाव को शत्रु भाव क्यों कहते हैं? अब आप बोलेंगे ये कोई सोचने की बात है, शास्त्रकारों ने लिख दिया तो हो गया, आप कहते हैं। लेकिन भाई, खष्टम को शत्रु भाव, रोग भाव, संघर्ष का भाव क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, विचार करिएगा, कहिए तो मैं बता दूं आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, खष्टम शत्रु तो हर जगह शत्रु होना चाहिए, ठीक है ना। पंचम से खष्टम कौन है? पिता। तो पंचम का शत्रु पिता होगा क्या? पंचम का शत्रु पिता होगा? पंचम का संघर्ष पिता होगा क्या? पंचम के लिए बाधा पिता होगा क्या? या चतुर्थ का खष्टम भाग्य भाव, धर्म भाव, तो चतुर्थ के लिए रोग का काम करेगा, चतुर्थ के लिए शत्रुता करेगा, माता के लिए परेशानी पैदा करेगा, भूमि भवन में आपके कोर्ट कचहरी करवाएगा? नहीं करवाएगा ना। इसलिए आपको ये देखना, सोचना पड़ेगा, आखिर खष्टम भाव को ही शत्रु भाव क्यों कहा गया? बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ज्योतिष, और ज्योतिष सरल सिर्फ ज्योतिष ही है। ये पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, इस पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे, खष्टम को खष्टम ही क्यों कहा जाता है, आखिर इसको परेशानी का घर, संघर्ष का घर, शत्रुता वाला घर, बहुत गजब की थीम है इसके पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सप्तम भाव चतुर्थ का सुख है, क्या है? चतुर्थ का सुख है, इसलिए जब भी दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण होगा तो चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, पहली चीज जान लीजिए। बिना चतुर्थेश के और चतुर्थ भाव के पीड़ित हुए दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो ही नहीं सकता, ये आधार स्तंभ थीम मान के चलिए आप। जिसके भी कुंडली में इस तरह की परेशानी है उसका चतुर्थेश पीड़ित होगा। हाँ, अब चतुर्थेश यहाँ से अपने से खष्टम जा सकता है, अपने से अष्टम एकादश में जा सकता है। आप बोलेंगे एकादश में है, लेकिन है तो अपने से आठवें ना, अपने से आठवें है। मृत्यु के बाद लाभ होगा, मृत्यु के बाद लाभ होगा। कई लोग ऐसे होते हैं
शादी किए और शादी के पश्चात उनके जीवन साथी की दुर्घटना हो गई और करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, मृत्यु से लाभ हो जाता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपके कुंडली में जब तक सप्तमेश 6-8-12 में नहीं होगा, सप्तमेश 6-8-12 में नहीं होगा, सप्तमेश नीच का नहीं होगा, सप्तमेश अस्त नहीं होगा, तब तक ये दुर्घटना नहीं घट सकती। साथ में इस दुर्घटना के घटने के लिए आपको 3 मुख्य चीजों को देखना पड़ेगा। वो आपका क्या है? पहले आपका सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव के कारक, दूसरा सुख भाव के स्वामी आपकी कुंडली में, और तीसरा आपके द्वितीयेश। जब ये तीनों पाप प्रभाव में होंगे तभी आपके कुंडली में माने जातक की कुंडली में विधुर योग वैधव्य योग बनेगा। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सप्तमेश ठीक ठाक कंडीशन में है लेकिन द्वितीयेश पीड़ित होने से आदमी विवाह के बंधन में नहीं बनता या विवाह के बंधन से मुक्त हो जाता है। सप्तम भाव ठीक ठाक होने के बावजूद भी आपका चतुर्थेश अगर ठीक नहीं, चतुर्थेश अपने से द्वादश है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी। तो द्वितीयेश और चतुर्थेश की स्थिति का आकलन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम के कारक, इन दोनों का भी आकलन करना आवश्यक है। तो अंतिम निर्णय में आप कब पहुंचेंगे कि जब सप्तम का स्वामी अष्टम में हो, अष्टम का स्वामी सप्तम में हो, आपस में एक्सचेंज कर लें तो विधुर या वैधव्य योग बनने का संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। यहाँ पे इन भाव पे मंगल शनि राहु इत्यादि की उपस्थिति हो जाए या इत्यादि की दृष्टि संबंध बन जाए तो संभावनाएं 95% हो जाती हैं, 95% संभावनाएं बनती हैं कि इस व्यक्ति का जीवन साथी बीच में ही इसको छोड़ के चला जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर सप्तम का स्वामी कष्टम में है, कष्टम का स्वामी सप्तम में है, कष्टम का स्वामी सप्तम में है, सप्तम का स्वामी कष्टम में है, यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी सप्तम से संबंध बना ले तब भी विधुर योग वैधव्य योग आपकी कुंडली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यातव्य रहे कि 6-8-12 के स्वामी जब भी सातवें से संबंध बनाएंगे उस तरह की परेशानी देंगे। अब छठवें से संबंध बनेगा तो जीवन साथी रोग से परेशान होके रोग से उसकी मृत्यु होगी। किससे मृत्यु होगी? रोग से। बहुत लोग होते हैं जीवन में लंबे लंबे रोग हो जाते हैं, कैंसर हो गया, उनकी किडनी फेल हो गई, बड़े बड़े रोग होते हैं, तो वो लोग रोग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। खष्टम का सप्तम का स्वामी जब द्वादश में जाएगा तो फिर क्या होता है, दूर देश जाने से, बहुत दूर निकल जाने से दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाएं बहुत दूर हो जाती हैं या दूर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जाता है तो फिर ऐसी व्यक्ति की मृत्यु जीवन साथी के सामने ही है, जीवन साथी के आसपास ही हो जाती है। तो ये 3 स्थितियां ऐसी बनती हैं कुंडली में जो आपको विधुर योग वैधव्य योग के बारे में बताती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा द्वितीयेश चतुर्थेश की स्थिति को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीयेश आपके निजत्व हैं, आपके जीवन साथी और बच्चे हैं। जब तक वो ठीक है तो आपके जीवन साथी के साथ दुर्घटना होगी लेकिन वो बचा लेगा। अच्छा, लगे हाथ ना आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, ये कुंडली है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा होगा। ये कुंडली है रेखा जी की, अभिनेत्री रेखा जी की। तो इस कुंडली में उन्होंने 2-3 शादियां की और उनकी सभी शादियां खंडित हो गई, माने जीवन साथी छोड़ के चले गए। अब कारण आप देखेंगे तो कारण आपको अस्पष्ट कुंडली में दिखाई देगा। मैं आपको एक बार कुंडली जरूर दिखाना चाहूँगा, आप कुंडली देख सकते हैं। ये धनु लगन की कुंडली है और लगन में राहु मंगल, राहु मंगल अंगारक योग, अंगारक योग। यहाँ पे राहु क्या हो जाएंगे? राहु नीच के हो जाएंगे और मंगल जो है व्यस हो गए। साथ में जो शुक्र हैं, शुक्र कहाँ है? द्वादश में है। अब देखिए पंचमेश मंगल तो इनको बहुत अच्छा अभिनय के जगत में नेम फेम देता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, वहाँ बैठा कौन है? केतु। मैंने आपको पहले ही बोला था कि केतु जब भी सप्तम में होगा, केतु गुरु के राशि में नहीं है तो सप्तम का ध्वंस कर देगा, सप्तम का ध्वंस कर देगा। ये आप देख लीजिए, अनुभव करके देख लीजिए। साथ में इसमें और हम एक योग देख सकते हैं, वो योग ये देख सकते हैं कि सप्तमेश तो अपने से पंचम है, सप्तमेश अपने से पंचम है और मैंने आपसे कहा कि सप्तमेश दूषित होना चाहिए, तो सप्तमेश अपने से पंचम है लेकिन वो किसके साथ है? शनि के साथ हैं, शनि के साथ हैं। और जो सुख भाव के स्वामी हैं
सुख भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, द्वितीय भाव का जो स्वामी है द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर उनकी नीच दृष्टि है, उसकी नीच दृष्टि है अष्टम में बैठ के। तो गुरु जहां पे देखेंगे वहां पे उस हमारे पास जो है, हमारे पास प्रसाद में काजू किशमिश बादाम है तो आपको प्रसाद में काजू किशमिश बादाम देंगे। अब गुरु बैठे हैं यहाँ मौत के घर में, तो गुरु के पास मौत के खजाने में बैठे हैं, तो गुरु के पास मौत भी है। आवश्यकता पड़ने पर जिसको देखेंगे चेला आओ एक मुट्ठी लेके जाओ तो वो दे देंगे। तो आप यहाँ कुंडली में, रेखा जी की कुंडली में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उनकी कुंडली में वैधव्य योग बना, बार बार बना, उसके पीछे जो प्रमुख कारण रहा अंगारक योग रहा, साथ में सप्तम में केतु की उपस्थिति रही और शुक्रदेव का जो द्वादश में चले जाना और सुखेश का अष्टम भाव में उपस्थित होना, ये प्रमुख कारणों में से एक कारण रहा। तो जब भी आप कुंडली का विचार करें, किसी की कुंडली मिलाएं, तो कुंडली मेलापक भी सिर्फ गुण पे ही ना जाएं, उसकी कुंडली मेलापक भी जरूर देखें कि उसके जीवन साथी की आयु कितनी है। तो चलिए फिर अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे कुंडली में जो दाम्पत्य जीवन में जो कलह होती है, कलह को हम कैसे पकड़ें और कलह को दूर कैसे करें। अच्छा, विधुर योग वैधव्य योग को क्या रोका जा सकता है, क्या रोका जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर का काम रोग बता देना ही नहीं होता, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। तो ज्योतिषी का काम ये बता देना कि आपकी पुत्री, आपका पुत्र विधुर हो जाएगा, पुत्री विधवा हो जाएगी, ये बताना नहीं है। दरअसल हमारा आपका काम है जो परेशानी आ रही है उसको दूर करना। बारिश हो रही है छतरी लगा देंगे, रास्ते में कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिल रहे हैं तो जूते पहना देंगे। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो पर नहीं, एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बना के चर्चा करेंगे कि इसको हम दूर कर सकते हैं क्या, दूर कर सकते हैं तो उसके कौन से कारक हैं, कौन से बिंदु हैं जिनको पकड़ के हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आपके लिए राधे राधे।